Hello everyone, welcome to the channel Dusrajan. In this video, we will be talking about India's one of the top GFTI, GK Haridwar, Gurukul Kangdi Vishwavidyalaya Haridwar to be very precise. Previously, we have already discussed about many of the NITs and IITs. So, uski jo complete college UV ki playlist maine description mein dal rakhi hai, wahan se jaake aap check out kar sakte hain. Iske alawa, generally, jab bhi GFTI ki baat aati hai, to the name comes to our mind is either BITS Misra or IIST Sippur. बट इसके अलावा भी 25 GFTIs और हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट 3000 प्लस सीट्स के अंदर आपका एडमिशन हो रहा होता है एंड जीके वे हरिद्वार इज़ वन ऑफ दैम. तो आज उसके बारे में कंप्लीट चीज़ें हम जान रहे होंगे, क्या उसका कॉलेज लाइफ है, हॉस्टल, मेस, प्लेसमेंट्स एंड एवरीथिंग. तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट. तो इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं जीके वे हरिद्वार के बारे में. तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 1902 में स्टैब्लिश हुआ था. दो फोटोज़ मैंने लगा रखी है. एनआईएट रैंकिंग अभी से नहीं मिली. जनरली जो ज़्यादातर जीएफटीआई थे उन्हें एनआईएट रैंकिंग अभी नहीं मिली है, एक दो को छोड़ के. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, उत्तराखंड में है सिचुएटेड, जोसा एंड सीसा काउंसलिंग के थ्रू इसके अंदर आपका एडमिशन हो रहा होता है. कनेक्टिविटी की बात करें तो ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज़ माई होम टाउन, दैट्स आई एम टेलिंग यू. तो बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होने वाली. 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर अराउंड आपको हरिद्वार रेलवे जंक्शन मिल जाता है. इसके अलावा 46 मिनट या 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पर अराउंड आपको एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट मिलता है. तो फ्लाइट से भी और ट्रेन से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी की दिक्कत नहीं है. सीट मैट्रिक्स की बात करें तो हर ब्रांच के अंदर 115 सीटें, टोटल 460 सीट. अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस के अंदर जो लास्ट कट ऑफ गई थी, दैट इज 59,000, ऑलमोस्ट 60,000 मान सकते हैं. तो अगर आपको सिर्फ कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको 94% से ऊपर लाना पड़ेगा. सिर्फ एडमिशन की बात करें तो वैसे तो ज़्यादातर ब्रांच है नहीं, चार ही ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सर्किटल ब्रांच एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग. 88,000 के अराउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग लास्ट बंद हुई थी. यानी कि अगर आपको इस कॉलेज के अंदर सिर्फ एडमिशन लेना है तो भी आपको एटलीस्ट 93+ आपको लानी पड़ेगी. बेस्ट थिंग इज़ कि इसके अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ ऑल इंडिया कोटा है. तो आप सिर्फ ऑल इंडिया रैंक ही इसके अंदर आपके लिए एप्लीकेबल होगी. ब्रांचेज रूल जस्ट लाइक एनी अदर कॉलेज, बहुत सिंपल है एक्चुअल में. बट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट. मान लो आप किसी ब्रांच मैकेनिकल के अंदर, आपको ब्रांच चेंज करवानी कंप्यूटर साइंस के अंदर, दैट इज ओनली पॉसिबल वैन देर इज अ वैकेंट सीट एट कंप्यूटर साइंस ब्रांच. तो कंप्यूटर साइंस से मान लो कोई बच्चा छोड़ जाता है तो, और फर्स्ट ईयर के अंदर मान लो आपकी CGPA काफ़ी अच्छी है तो आप अपनी ब्रांच को अपग्रेड कर सकते हैं. सो दिस इज द ब्रांचेज रूल. एक्चुअली फी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो 92,000 के अराउंड आपकी ऑलमोस्ट फी पड़ रही होती है. साथ में अगर मैं इसमें हॉस्टल और मेस को भी जोड़ दूं तो ऑलमोस्ट 45,000 के अराउंड हॉस्टल मेस मिला के होता है. टोटल फीस 1 ईयर के अंदर 1,37,000 के अराउंड, और अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दैट इज़ 4,48,000. अब ये जो फी मैंने आपको बताई है, दैट इज़ अप्रॉक्स, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है अप्रॉक्स इसलिए क्योंकि फी में चेंजेस होते रहते हैं. कई बार आपको कुछ फी ऐसी होगी, जैसे यहाँ पे कॉशन मनी आपको इनिशियली दे रखी है 2,000 रुपये, ये आपको 4 साल खत्म होने के बाद वापस मिल जाएगी. ये 50 रुपये जो वन टाइम फी है ये आपको एक ही बार देनी है. तो ये फी में चेंज होता रहता है. तो मैं एग्जैक्ट फी नहीं बता रहा हूँ, बट ऑलमोस्ट आपका 5-6 लाख रुपये खर्चा इतना इंजीनियरिंग करने के लिए इस कॉलेज के अंदर आ जाएगा. नाउ टॉकिंग अबाउट द कैंपस, 4 एकर्स का वैसे तो कैंपस है, बट ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कैंपस है. अगर मैं टोटल ओवरऑल कैंपस की बात करूँ तो दैट इज़ वी बिगर देन दिस, आई थिंक 250-300 एकर्स के अराउंड कैंपस है. बट उसके अंदर सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, फिर आर्ट्स भी, साइंस, बायो, मैथ्स, एवरीथिंग, BSc वगैरह सारी ब्रांच, मतलब सारी स्ट्रीम्स उसके अंदर आ रही होगी. तो आपका इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट 4 एकर्स के अंदर है. यहाँ पे कुछ फोटोज़ मैंने आपके लगा रखी हैं जो आप देख सकते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द कैंपस फैसिलिटी, कैंपस फैसिलिटी एज सच बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि GFTI है तो कम फैसिलिटीज़ हैं. फैसिलिटीज़ आपको सारी की सारी जो जनरल फैसिलिटीज़ होती है, लाइक लाइब्रेरी, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और हॉस्टल, ये सारी फैसिलिटी जनरली आपको मिल रही होगी. स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन होते हैं जैसे हर कॉलेज में होते हैं, तो फैसिलिटीज़ जितनी भी होंगी एक अच्छे कॉलेज के अंदर वो आपको यहाँ पे मिल रही होती हैं. इसके अलावा हॉस्पिटल होता है, टाई अप होता है हॉस्पिटल और कॉलेज का. मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिल रही होती हैं, वाईफाई, कैंपस, ऑडिटोरियम, ये सारी चीज़ें आपको कैंपस के अंदर मिल रही होती है. तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेम्परेचर. टेम्परेचर जानना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज टेम्परेचर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं
तो यहाँ का टेम्परेचर इस हिसाब से वेरी करता है कि नॉर्थ इंडियन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉर्थ इंडियन के लिए यू नो टेम्परेचर ऐसे ही रहता है कि जून जुलाई के टाइम पे ज़्यादा गर्मियाँ होंगी, जनवरी दिसंबर के टाइम पे ठंड स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज अ थिंग जो नॉर्थ इंडियन को पता है। बट इफ़ यू आर साउथ इंडियन, तो साउथ इंडिया में ऑलमोस्ट 30-35 डिग्री सेल्सियस के अराउंड पूरे साल टेम्परेचर रहता है, तो ज़्यादा ना ठंड पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो अगर आप एक साउथ इंडियन, तो मे बी आपके लिए टेम्परेचर सुटेबल ना हो, तो बिफोर टेकिंग एडमिशन टू द कॉलेज जस्ट हैव अ लुक ऑन द टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर का ग्राफ मैंने लगा रखा है, रेड वाली लाइन जो टेम्परेचर शो करती है और जो ब्लू वाली लाइन है वो आपकी रेंज शो करती है किस मंथ में कितनी ज़्यादा बारिश हुई। नाउ टॉकिंग अबाउट द हॉस्टल, दो हॉस्टल हैं, एक तो पंडित गुरुदत्त हॉस्टल एंड सेकेंड इज पंडित स्वामी लेखाराम हॉस्टल, और इसके अलावा सेपरेट हॉस्टल है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। और जो यू नो हॉस्टल फैसिलिटी हो काफ़ी ज़्यादा सही है। यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी जनरली आपको मिल रही होगी, जैसे हर कॉलेज के अंदर मिलती है, फुल्ली इक्विप्ड वाईफाई होगा। ऑल दो वाईफाई आपको वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कि वाईफाई इज़ यू नो कम्प्लीटली वर्किंग और नॉट, बिकॉज हो सकता है कि वाईफाई की स्पीड इतनी आ रही हो जिससे ज़्यादा आपके मोबाइल डेटा की स्पीड आए, तो वाईफाई वर्थ इट नहीं है। बट ये सब आपको कॉलेज जाने के बाद पता चलेगा, वेबसाइट पे तो यही डिटेल है कि फुल्ली इक्विप्ड वाईफाई हॉस्टल है। इसके अलावा इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल टू लिव इन हॉस्टल, तो बाहर आपको पीजी मिल जाएंगे, वो भी डिसेंट रेट पे 3K-4K के अराउंड आपको अच्छे खासे पीजी मिल रहे होंगे आउटसाइड द कैंपस। इसके पर अंदर रहने का ये भी फायदा है कि आपको एक तो हॉस्टल लाइफ जीने को मिलती है, साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी हॉस्टल के अंदर अवेलेबल हो रही होगी लाइक बैडमिंटन वॉलीबॉल कोर्ट, ये सारे आपको हॉस्टल के अंदर रह के अवेलेबल हो पाएंगे। अगर आप बाहर रहते हो तो देन यू नो यू विल बी मिसिंग आउट समथिंग। 3 वाटर कूलर है हर फ्लोर के उस पर, हर फ्लोर पर हॉस्टल के अंदर, तो हॉस्टल में यू नो एज सच बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। हॉस्टल चार्जेज ऑलमोस्ट 33,000 है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप आउटसाइड रूम भी ले सकते हैं। मेस फैसिलिटी की बात कर लेते हैं, तो मेस फैसिलिटी इज़ क्वाइट गुड, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं, बट आई कैन श्योर दैट यू कैन रिलाई ऑन दैट मेस फूड फॉर 4 years। छोले भटूरे जो नॉर्थ इंडिया का फूड है और बिरयानी एंड एवरीथिंग, ये आप आलू के पराठे वगैरह ये सब आपको मेस के अंदर मिल रहा होता है, डिसेंट फूड है। बट अगर आप फिर भी बोर हो जाते हैं तो नॉर्थ इंडिया तो फूड के लिए फेमस है ही, स्ट्रीट फूड्स वगैरह आप ट्राई कर सकते हैं, तो फूड के ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ की बात कर ले तो क्योंकि नाम में ही यू नो गुरुकुल है, तो गुरुकुल के अंदर आपको पुरानी पुरानी बुक्स मिल रही होंगी, ओल्ड यू नो एंशियन हिस्ट्री की बुक्स एंड ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, रिलीजन से जुड़ी हुई काफ़ी सारी किताबें आपको मिल रही होंगी। काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी, ऑलमोस्ट 2 lakhs के अराउंड बुक्स हैं। इसके अलावा एक अच्छी चीज़ कि ऐसे स्टूडेंट्स एंड यू नो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए अलग से सेपरेट लाइब्रेरी है, बुक बैंक अलग से, तो ये एक चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करें तो जनरल स्पोर्ट्स फैसिलिटी लाइक हाई जंप, लॉन्ग जंप, इंडोर फैसिलिटी, खो खो, टेनिस, वॉलीबॉल, ये सारी चीज़ें आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी के नाम पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के बच्चे भी काफ़ी सही, मतलब जो इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, काफ़ी सही स्पोर्ट्स फैसिलिटी जाते हैं। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन अगर आप, तो यू नो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल सकता है। अटेंडेंस एंड फैकल्टीज़ की बात करें तो अटेंडेंस का एज सच हो सकता है कुछ जगह इशू, लाइक कोई कोई टीचर हो सकता है कि बोले आपको कि नहीं 75% और 80% अटेंडेंस आपके लिए कंपलसरी है, बट दैट इज़ नॉट एवरी टाइम ट्रू। कुछ कुछ फैकल्टी ऐसी होती हैं जो आपको यू नो थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दे देती है कि चलो नहीं अटेंडेंस तो भी आपका काम चल जाएगा, तो फैकल्टी टू फैकल्टी डिपेंड करता है। फैकल्टी हाईली क्वालिफाइड है ऐसा, मतलब मोस्ट ऑफ देम आर PhD होल्डर्स, तो फैकल्टीज की ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होने वाली आपको, बट फिर भी आपको मेजर ऑफ द टाइम खुद ही पढ़ना होगा कि फैकल्टी जो पढ़ाएंगे, हो सकता है आप वो 100% पढ़ाएं तो आप 10% 12% ही ग्रैप कर पाएं, तो उसके बाद आपको खुद ही मैक्सिमम ऑफ चीज़ें अपने आप यू नो नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। तो ऐसा बहुत ज़्यादा टीचर्स हेल्प नहीं कर रहे होते इंजीनियरिंग के अंदर। क्लब्स एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी की बात करें तो काफ़ी सारे क्लब्स हैं यार, आप यू नो कॉलेज के अंदर जाने पर आपको रिग्रेट नहीं होगा। इको क्लब है, टीम प्राइड है, और गूगल डेवलपमेंट क्लब है, कोडिंग क्लब है यहाँ का, NCC है, और इसके अलावा भी यार काफ़ी सारे और भी क्लब आपको मिल रहे होंगे। तो क्लब्स की ऐसे दिक्कत नहीं जैसे बड़े बड़े कॉलेज लाइक NITs, IITs के अंदर आपको अच्छे अच्छे क्लब मिल रहे होते हैं, वेल इस्टेब्लिश्ड क्लब मिल रहे होते हैं, मतलब पुराने पुराने काफ़ी सालों से चले आ रहे हैं, वैसे ही ये क्लब्स भी हैं यार, और काफ़ी पुराने क्लब्स हैं, तो पुराने और एंड इस्टेब्लिश, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। नाउ
एनुअल कल्चरल टेक्नो फेस्ट की बात करें तो कल्चरल टेक्निकल फेस्ट एक ही है, दैट इज जन्नाग्नी, और काफ़ी बड़ा फेस्ट होता है हरिद्वार के अंदर स्पेशली मैं कह सकता हूँ। 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर ईयर पार्टिसिपेट करने आते हैं, और अलग अलग कॉलेज से भी, और खुद कॉलेज के अंदर तो काफ़ी सारे बच्चे हैं अलग अलग स्ट्रीम्स के, तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे हर साल पार्टिसिपेट करने के लिए और यू नो अलग अलग इवेंट्स को अटेंड करने के लिए आते हैं। सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो निंजा, जसमाना, ये पंजाबी जो सिंगर्स हैं, पीयूष मिश्रा राइटर, ये आ रखे हैं मतलब यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए ऑलरेडी, और काफ़ी सारी मतलब अलग अलग चीज़ें भी इसके अंदर हो रही होती हैं। रोबोटिक्स, पबजी, बैंड वॉर, स्टार्टअप, ये सर मतलब इवेंट अलग अलग चलते रहते हैं, और अगर आप इस इवेंट को अटेंड करेंगे जन्नाग्नि को तो यू विल बी लाइक कि यार काफ़ी सही इवेंट ये रहने वाला है, एक GFTA के हिसाब से तो स्पेशल, बिकॉज लोअर GFTA में आप जाएंगे तो उतने अच्छे फेस्ट आपको नहीं मिलेंगे, बट दिस फेस्ट इज रियली रियली गुड। नोटेबल एलुमनाई की बात करते हैं तो नोटेबल एलुमनाई में दो को तो आप जानते होंगे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर जो कि आज के टाइम पे इंडियन सिनेमा के यू नो किंग, एंड स्वामी रामदेव जो कि काफ़ी बड़े बिजनेसमैन है, पतंजलि जैसे ब्रांड उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। इसके अलावा विनायक राव कोराटकर सर एंड पंडित अमीचंद्र विद्यालंकर सर भी यहाँ से पास आउट हुए हैं, तो एलुमनाई स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और काफ़ी ज़्यादा वेल स्टैब्लिश कॉलेज है, क्योंकि 1902 में स्टैब्लिश होता है तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें बेटर आपको मिलनी है। प्लेसमेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो प्लेसमेंट ही है जिसकी वजह से आप कॉलेज जा रहे हैं, तो प्लेसमेंट की बात करना ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एट द एंड आपको पैसे से ही मतलब होने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो जनरली ज़्यादातर कंपनीज जो आपको यहाँ पर लिस्ट में दिख रही होंगी वो मास रिक्रूटर्स है, लाइक इन्फोसिस, IBM, विप्रो, ठीक है, तो ये ज़्यादातर कंपनीज आपको मास रिक्रूटर ही दिख रही होगी जो आपको 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख इसके अराउंड पैकेज पे लेके जाती हैं। अगर प्लेसमेंट की बात करूँ मैं पर ब्रांच के हिसाब से तो मैक्सिमम प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस के अंदर होते हैं ऑब्वियसली, और यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि 30-40% ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट गेट प्लेस्ड, बट वो 30-40% में आप समझ सकते हैं कि 90-95% बच्चे कंप्यूटर साइंस के हैं, बाकी जो बच्चे हैं मे भी हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल, तो लोअर ब्रांच में जैसे जैसे आप आते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा यू नो प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलती, और कंप्यूटर साइंस की भी जो प्लेसमेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉप नॉच नहीं होती, मतलब हाई पैकेज नहीं लगते, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे दिख सकती है आपको प्लेसमेंट के केस में। सो ओवरऑल कॉलेज बेटर है, कॉलेज अच्छा है, मतलब अगर आप कंपेयर करें किसी लोअर NIT को इससे, तो फैसिलिटीज़ के मामले में दोनों बराबर मैं कह सकता हूँ, बट अगर प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट में ऑब्वियसली इससे बेटर आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज के भी जाते हैं, अच्छे प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो देन अगेन आपको वहाँ पे प्लेसमेंट इससे बेटर मिल रहे होंगे, बट ओवरऑल कॉलेज अच्छा है, प्लेसमेंट थोड़े लो हैं बट यू कैन मैनेज, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपकी फ़ी भी कम ही लग रही होती। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द GKV हरिद्वार, मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंशन कर दी हैं, आई थिंक हॉस्टल मेस, कॉलेज लाइफ, सारी चीज़ें, प्लेसमेंट्स वगैरह सब मैंने डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन में लिंक है उनका, और चैनल पे जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम हैंडल्स यहाँ पे फ्लैश हो रहेंगे, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ जाके DM पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई विल बी आंसरिंग दैट। सो नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी सारे कॉलेज रिव्यू आने वाले हैं, तो टिल देन बाय बाय।